गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इंग्लिश ग्रामर द न्यू टॉपिक सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने के लिए और आपकी ग्रामर बुक में ये लेसन नंबर 1 है. द सेंटेंस प्लीज आप ये लिखेंगे नहीं, प्लीज सिर्फ आप सुनेंगे और समझेंगे. यू विल ओनली अंडरस्टैंड एंड देन रीड इट इन योर ग्रामर बुक. दिस इज इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंसेस. दैट मीन्स आप जब वाक्य बनाते हैं इंग्लिश में तब आप किस तरीके से उसको लिखेंगे. टी एच ई द एस ई एन टी ई एन सी ई एस सेंटेंसेस. सबसे पहला रूल जो है सेंटेंस का है रूल नंबर 1. व्हेन यू मेक अ सेंटेंस और यू राइट अ सेंटेंस दैट मीन्स अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सारे वर्ड्स का ये एक ग्रुप है जिससे हमें समझ में आता है उसका मतलब. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? It is a group of words that make complete sentence. अगर हमने लिख दिया example यहां पे है in the park. ये भी एक group of words है but इससे कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है. It doesn't have any sense. नंबर 1 दिस. नंबर 2 द बेयर. द बेयर लिखने से भी इसका कोई भी सेंस नहीं निकलता है. 3 कप टेबल ऑन द. यहां पे भी कप टेबल ऑन द का कोई भी सेंस नहीं निकलता. दैट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है. दिस इज फर्स्ट रूल. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज द सेंटेंस. नाउ सेकेंड थिंग रूल नंबर 2. आई सपोज यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. आप जब भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें ये हमेशा दिमाग में रखें कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. द फर्स्ट लेटर. और अ वर्ड ऑफ अ वर्ड बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. आप जब भी किसी वाक्य की शुरुआत करेंगे वो हमेशा फर्स्ट लेटर जो है उसका कैपिटल लेटर होगा. इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, इफ इट इज सी, इफ इट इज डी. एंड यू विल ऑलवेज एंड द सेंटेंस विथ फुल स्टॉप. आपके सेंटेंस में एंड में हमेशा फुल स्टॉप होना चाहिए तब जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा. आई रिपीट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू
नंबर वन, आवर क्लास टीचर लव्स अस वेरी मच, फुल स्टॉप एंड इट इज बिगनिंग विद कैपिटल लेटर. माय मदर helps me in my work. Again, the first letter is capital and we have ended with full stop. Number three, I went to Chennai by train. So this is how I is capital letter, C is the name of a city and it is ending with full stop. So all these words are also called group of words that gives us complete sense. So in your book, lesson number one, the sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. This is your definition. You have to read it. Water, clean, good, is, us, for, is. No, it is also a group of words, but it doesn't have any sense. ये capital letter से भी start नहीं हो रहा है और इसके end में full stop भी नहीं है. Story books I read to like. स्टोरी बुक्स आई रीड टू लाइक, यहाँ पे भी ये गलत है क्योंकि ये भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा है. फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर नहीं है और यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है. मदरलैंड माई इंडिया इज, नो दिस इज ऑल्सो अ नॉट करेक्ट सेंटेंस. इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं है और यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है. द राइट सेंटेंस इज दिस वन, क्लीन वाटर इज गुड फॉर अस. आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स. इंडिया इज माय मदर लैंड. सो प्लीज चिल्ड्रन, गो थ्रू द लेसन एंड रीड. This is all for today. Tomorrow we are going to do exercise. Please do not write in your copy.